अम्बाला छावनी में वर्ष 1844 में बने प्राचीन मंदिर हाथीखाना में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें इस बात की गवाह हैं कि लोगों में भगवान शिव जी के प्रति कितनी आस्था है। शिवरात्रि के मौके पर सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। हर किसी को बस इंतजार था तो सिर्फ शिवलिंग को जलाभिषेक करने का। शायद हर कोई इस दिन माथा टेक कर भोले शंकर से देश और प्रदेश में शांति की कामना कर रहा था। श्रद्धालुओं का कहना था कि खास तौर पर आज के दिन भोले शंकर के दर्शन कर हर मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन ही भोले शंकर के भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं और भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके हर तरफ आज सुबह से ही श्रद्धालुओं में भोले का रंग चढ़ा नजर आ रहा था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पुलिस ने भी बंदोबस्त भी पुख्ता किए गए थे। सुबह से लंबी लाइनों में लगी महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि इस प्रसिद्ध हाथीखाना मंदिर में उनकी गहरी आस्था है। यहाँ भक्तजन जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। प्राचीन हाथीखाना मंदिर में लोगों की इतनी श्रद्धा है कि हर साल भक्त यहां 55 क्विंटल खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटते हैं, जो सुबह से शाम तक खीर का भंडारा चलता है। इसी के साथ 30 क्विंटल काजू और बादाम वाला दूध का प्रसाद भी बांटा जाता है। सेवक सुरेंद्र शर्मा पिछले 25 साल से यहां आने वाले श्रद्धालुओं में से हैं। उनका कहना है कि यहां सुबह से लंबी लाइनें लगती हैं जो शाम तक भोले को जलाभिषेक करते हैं। बरसों से इस मंदिर की सेवा कर रहे महंत 108 श्री मोहनदास का ये कहना है कि यह प्राचीन मंदिर 1844 में निर्मित किया गया था और यह शिव जी का सबसे ज्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर की श्रद्धा अपने आप में अटूट है। सभी की मनोकामना यहाँ शिव भोले पूरी करते हैं। विशेषकर आज महाशिवरात्रि पर्व के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं और लोग अपनी मन्नत पूरी करने को। अम्बाला से कृष्ण बाली, आजाद टीवी न्यूज। भंडार में लगाया है, हम भंडार बनाते हैं, खीर प्रसाद बनाते हैं और पब्लिक में वितरण करते हैं। शंकर जी जो हैं राजा बलि के हाथ में आते हैं और राजा बलि के वहाँ से आते हैं और यहाँ पे अपना विराजमान है कि जो है सब जीव जंतु जो है इस शंकर जी के जो है प्रेरणा से यहाँ पे वास करते हैं।